वेलकम स्टूडेंट, हम प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन दिखा देते हैं आपको। देखिए, ये कुछ प्रॉपर्टी थी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन की। इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया था चेंज इन एनर्जी, ठीक है। चेंज इन एनर्जी में हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था जिसमें हीट बाहर निकलती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है चेंज इन एनर्जी का, वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बच्चों? जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब की जाती है, जिस रिएक्शन में, जिस चेंज में हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है, वो एंडोथर्मिक। एंडो मतलब होता है एब्जॉर्ब लेना, थर्मिक मतलब थर्मल वर्ड से बनाए हीट से, तो है ना। जब आप एब्जॉर्व करते हैं हीट, किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो कहलाती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। आओ अब एंडोथर्मिक का एग्जांपल है। एंडोथर्मिक का एग्जांपल है जब हम कार्बन और सल्फर को, है ना, कंबाइन करेंगे। जब कार्बन और सल्फर रिएक्शन करेंगे तो हमें हीट की प्रेजेंस में, इन दोनों की रिएक्शन कर रहे हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइसल्फाइड। देखिए, ये रिएक्शन आपको शो करी हुई है, कार्बन प्लस सल्फर हीट की प्रेजेंस में आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों? कार्बन डाइसल्फाइड बन रहा है। कार्बन और सल्फर को जब आप रिएक्ट कराओगे हीट की प्रेजेंस में, कार्बन और सल्फर को जब आप हीट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो आपके क्या बनेगा? कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, नाउ